ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का नाम है बंधन मुक्त बनने की युक्ति। कहते हैं एक बार एक ऊंट वाला 100 ऊंटों का कारवां लेकर एक धर्मशाला में जाके ठहरा और वो रात के समय खूंटा बनाता गया, गाड़ता गया और ऊंट को बांधता गया। लास्ट में एक ऊंट के लिए एक खूंटा कम पड़ गया तो उसने व्यवस्थापक से बात किया। व्यवस्थापक ने ऊंट वाले को बहुत अच्छी तरकीब सुझाई तो ऊंट वाले ने उनकी तरकीब अनुसार उस ऊंट के सामने झूठा मूठा अभिनय किया कि वो खूंटा गाड़ रहा है और प्रातः होने के बाद सभी ऊंटों को खूंटे से स्वतंत्र किया गया तो सारे ऊंट खड़े हो गए, चलने लगे। परंतु जो 100वां नंबर का ऊंट था वो वहीं खड़ा हो गया, चल ही नहीं रहा था। तो ऊंट वाले ने फिर से ये अभिनय किया। सचमुच ऐसा दिखा रहा था जैसे उसका वो खूंटा खोल रहा है। बस ये देखकर 100वां नंबर का ऊंट भी खड़ा हो गया और चलने लगा दूसरों के साथ। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि मनुष्य जीवन के अंदर भी हम मनुष्य आत्माएं कई ऐसी बातों से बंधे हुए हैं कि हम मुक्ति नहीं हो सकते हैं। यहां तक कि ये विनाशी शरीर से भी हम आत्माएं इतनी बंध गई हैं कि हम स्वयं को भूलकर अपने को शरीर समझने लगती हैं। इस कारण से बंधन में बंध जाती हैं। हालांकि आत्मा स्वतंत्र है, निर्बंधन है। जब हम इसकी महसूसता करेंगे, आत्म अनुभूति करेंगे तो हम भी अपने जीवन के अंदर स्वतंत्र पंछी बनकर प्रभु के पास सहज ही उड़ करके जा सकेंगे। ओम शांति।